हेलो एवरीवन, देखिएगा अपने लास्ट लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और थर्मोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे हीट एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था, हीट ऑफ कंबशन पढ़ा था, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड अपन ने प्रॉब्लम भी की थी। मैंने कहा था गिवन डेटा क्या उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, न कि रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन तो जो भी रिएक्शन लिखोगे उसके लिए तो वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगी, हो सकती है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर बन जाए, हो सकता है वो हीट ऑफ कंबशन के बराबर बन जाए, और हो सकता है आगे जो रिएक्शन पढ़ने वाले उनके बराबर भी बन जाए। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। टास्क ये गिवन क्या है, गिवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मेशन की गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाना है, कंबशन की गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है बात। आज कुछ क्वेश्चन हीट ऑफ कंबशन के और करते हैं, लास्ट क्लास में अपने 3-4 क्वेश्चन किए थे, आज करके फिर अपन आगे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चले देखो, सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखो, सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे को ये दे रखा है कि डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबशन दे दी, किसकी, डायमंड की, वो दे दी माइनस का 100 किलो जूल पर मोल, ये लो साहब। हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट दे दी, ये मेरे को दे दिए माइनस की 30 किलो जूल पर मोल। मेरे को बोला है कि ग्रेफाइट से डायमंड के अंतर परिवर्तन की एंथैल्पी ज्ञात करो, अंतर परिवर्तन की एंथैल्पी ज्ञात करो, ये अपन से पूछा गया है, ठीक है बात। अब सुनो बात को, इसका मतलब अपने पास रिएक्शन ये होनी चाहिए कि ग्रेफाइट कन्वर्ट हो डायमंड में, ग्रेफाइट कन्वर्ट हो डायमंड में, अपने पास रिएक्शन ये होनी चाहिए। ये अपने लिए डेल्टा एच रिएक्शन हो गया, यही अपन से पूछ रहा है, अपन से यही पूछा जा रहा है डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगी। डेटा देखो कौन सा दे रखा है, कंबशन का दे रखा है, तो डेल्टा एच रिएक्शन या इंटर कन्वर्जन की जो होगी हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, क्यों, क्योंकि कंबशन की गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगेगा, तो ग्रेफाइट की कितनी है माइनस की 30, माइनस इसकी है माइनस की 100, अगर इन दोनों को अगर आप कन्वर्ट करोगे मतलब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 70 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चले आगे, ये इस टाइप से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखे, हाइड्रोजन H2 साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन की दहन एंथैल्पी क्रमशः दहन एंथैल्पी क्रमशः -240 -3800 एंड -3920 किलो जूल पर मोल है, तो साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनीकरण की उष्मा ज्ञात करो, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा ज्ञात करो, ये। अभी अपन से पूछा है कि साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनीकरण की उष्मा ज्ञात करो, तो पहले अपन को इसकी रिएक्शन लिखनी चाहिए, साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनीकरण के उष्मा की क्या रिएक्शन बनेगी। देखो ये साइक्लोहेक्सीन है, ये लो साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 ऐड करो, ये लो H2 ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ये लो साइक्लोहेक्सेन बना दिया। मेरे को तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन डेटा है तो डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा HC ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट माइनस डेल्टा HC ऑफ प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, फिर तो लगाओ रिएक्टेंट, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सीन की कितनी दे रखी है -39 20,
प्लस हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, माइनस का 240। ये तो हो गई रिएक्टेंट की भैया, माइनस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की कितनी दे रखी है साइक्लोहेक्सेन की 3800। ये ठीक है 4160 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3800, ये हो जाएगा माइनस का 360 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगा माइनस का 360 किलो जूल पर मोल। कोई डाउट? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ग्लूकोज के दहन की एंथैल्पी 72 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये है मेरे से ये पूछा गया, 40 किलो जूल उष्मा प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उष्मा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ग्लूकोज के कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ग्लूकोज के दहन की एंथैल्पी 72 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, ग्लूकोज के दहन की एंथैल्पी कितनी है, 72 किलो जूल पर मोल है। 40 किलो जूल उष्मा प्राप्त करनी है आपको, तो उसमें ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट। इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल का जब दहन करवाओगे तो 72 किलो जूल उष्मा प्राप्त होगी, इसका मतलब तो यही है ना, एक मोल अगर कंबशन करवाओगे तो 72, एक मोल का मतलब है एक मोल का दहन करवाने पर 72 किलो जूल उष्मा प्राप्त होती। एक मोल का मतलब समझते हो ग्लूकोज का 180 ग्राम, तो एक, अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, तो मास को तो राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, जो कैलकुलेट करना है वो राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, और जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसा बोल दूं 72 किलो जूल उष्मा जो प्राप्त होगी वो 180 ग्राम से होती है, तो 1 किलो जूल उष्मा कब प्राप्त होगी, चौकी वाला मेथड लगा दो ये लो, और 40 किलो जूल कब प्राप्त होगी, तो 180 बट्टा 72 इंटू 42 ग्राम, ये 72 से 72 चला गया, 100 ग्राम आ जाएगा, ये लो भैया 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये अपने सारे क्वेश्चन थे हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन आज और करवा दिए। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन पहले अपन डिस्कस कर चुके, तो टोटल 6-7 हो गए, और हीट ऑफ फॉर्मेशन पे भी अपन ने 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, और आगे चलते रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और लास्ट में अपन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको करेंगे, तो अपने सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दो हीट अपनी कंप्लीट हो गई। अब मॉड्यूल वगैरह में हीट खूब सारी दे रखी है, लेकिन उसमें से मैंने कुछ हीट करवा दी है न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, जैसे ये इंटर कन्वर्जन है ना, वो अपन लास्ट में देख लेंगे इनके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एक तो बेसिक डेफिनेशन आना जरूरी है सबसे पहले, तो जब तक बेसिक डेफिनेशन नहीं आएगी किसी भी बॉन्ड एंथैल्पी की तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण की उष्मा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसे अपन कहते हैं उदासीनीकरण की उष्मा, उसके बारे में बात करते हैं। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन?
समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन समझाता हूं, उसके बाद अपन इसके लॉजिकल बात की लॉजिकल अप्रोच की बात करेंगे, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बात करेंगे, ठीक है। क्या होती है समझना, एक ग्राम तुल्यांक, वन ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब एक इक्विवेलेंट होना चाहिए कुल मिला के, एक ग्राम तुल्यांक अम्ल को एक ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार से, प्रबल मतलब क्षार से उदासीनीकरण करवाने पर, पूर्ण उदासीनीकरण करवाने पर हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, हुआ एंथैल्पी परिवर्तन हुआ एंथैल्पी परिवर्तन उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है, उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। एक तुल्यांक एसिड होना चाहिए और एक तुल्यांक बेस होना चाहिए, वन इक्विवेलेंट एसिड एंड वन इक्विवेलेंट बेस जब आपस में रिएक्ट करते और न्यूट्रलाइज होते हैं तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। बात सुने बात को, जैसे एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड को वन इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उदासीनीकरण करवाया जाए तो माइनस की 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है या माइनस का 57.3 किलो जूल हीट रिलीज होती है। इसी को अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपने HCl लिया वन इक्विवेलेंट प्लस वन इक्विवेलेंट अगर आपने NaOH लिया, अगर ये रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl प्लस वाटर बनेगा, तो इसका अगर वन इक्विवेलेंट हो, इसका वन इक्विवेलेंट हो तो यहां पे हीट रिलीज होगी माइनस की 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। अब सुनना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस देगा, प्लस Cl माइनस देगा, आयन में डिसोसिएट होगा, ये Na प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा, NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो Na प्लस और Cl माइनस से Na प्लस और Cl माइनस गया, H प्लस प्लस OH माइनस कन्वर्ट हो गया किसमें, H2O में, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन की कितनी बन गई, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। मैं तो एक वर्ड ऐसे भी बोल सकता हूं, कि H प्लस और OH माइनस, अगर H प्लस और OH माइनस से एक मोल H2O का फॉर्मेशन हो, या ऐसा बोलू एक मोल H प्लस जब एक मोल OH माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो माइनस का 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज होगी। सिंपल सी बात है। कोई कहता है कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, मैंने कहा नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो नहीं हो सकता है, अगर वाटर का फॉर्मेशन होना चाहिए था तो H2 और O2 से बनना चाहिए, वो तो नहीं है ना, तो इसलिए H प्लस और OH माइनस से अगर एक मोल H2O का निर्माण होता है, या ऐसा बोलू एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो माइनस की 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज करेगा, जिसे अपन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है। बात आगे बात करें, इस डेटा को ध्यान रखना है, एक मोल H प्लस और एक मोल OH माइनस रिएक्ट करता है तो माइनस का 13.7, अच्छा दो करेगा तो इसका दो होगा, इसका दो होगा तो इधर भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आ रही बात समझ में, ये बात ध्यान रहे आपको बस। अब सुनिए थर्ड नंबर कंसेप्ट इसका, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, वन वन इक्विवेलेंट हुआ, तब तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है वो माइनस का 13.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। दोनों में से एक वीक हुआ या फिर दोनों वीक हुए तो उस कंडीशन में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन लेस देन माइनस 13.7 किलो कैलोरी आएगा। अब लेस देन का मतलब तुम लोग ये मत समझ लेना माइनस में तो माइनस का 15 आएगा, नहीं,
यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड बात चल रही है, माइनस तो इसलिए उष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए अब मैं कह रहा हूं कम उष्मा उत्सर्जित होगी, इसका मतलब 13.7 की जगह वैल्यू आएगी 12, 11, 10.7 इस टाइप से वैल्यू आएगी, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कुछ कम आएगी। उसका रीजन बता रहा हूं क्योंकि वीक एसिड या फिर वीक बेस होते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, तो कुछ एंथैल्पी जो है वो आयोनाइजेशन में ब्रेक होने में लग जाएगी। सुनना बात को, अगर एक मोल एच प्लस दे दे, एक मोल ओ एच माइनस देते तो माइनस का 13.7 तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन एक मोल एच प्लस देने के लिए या एक मोल ओ एच माइनस लाने के लिए अगर आपको तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ गई तो देखो 5 की हीट दी तो लास्ट में जाके माइनस का 13.7 रिलीज होगा, तो ओवरऑल हिसाब किताब में क्या होगा, 13.7 रिलीज हुई, 5 देनी पड़ गई, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना क्या 8.7 रिलीज हो गई। सही बात है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, क्योंकि कुछ उष्मा जो है, इसका रीजन अगर अपन लिखे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कुछ उष्मा आयनन में चली जाती है जिसे अपन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो ओवरऑल हिसाब किताब में ये होगा कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, फिर तो माइनस का 13.7 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन, देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो जब ओवरऑल हिसाब किताब किया जाएगा तो मैं कह रहा हूं लास्ट में तो 13.7 रिलीज करेगा ही करेगा, एक मूल एच प्लस पूरा मिलते ही, लेकिन पहले आपने तोड़ने के लिए 3 दे दी तो प्लस का 3 करोगे तो ओवरऑल माइनस का 10.7 बच गया। ये 10.7 माइनस का होगा वही तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये एक फॉर्मूला अपने पास तैयार हो गया, देख लो मैंने आपको समझा के फिर फॉर्मूला डिराइव किया है, बात आ रही समझ में, जहां जरूरत पड़ेगी उसको ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, एचएफ की जब रिएक्शन करवाते हैं अपन, एचएफ की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है वो ग्रेटर देन माइनस 13.7 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। देखो क्यों, माइनस 13.7 से ज्यादा किसी की नहीं है, बस एक एचएफ की, उसका रीजन सुनना। जब लास्ट में ये एनए प्लस बने, सीएल माइनस बने, तो इस सीएल माइनस को कौन सराउंडेड करके रखता है, वाटर, हाइड्रोलाइसिस होता है। F- का आकार सबसे छोटा है, एनायन है केमिस्ट्री का, तो F- का आकार सबसे छोटा है तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन होने पर, जलयोजन होने पर ऊर्जा और उत्सर्जित होती है, तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो माइनस 13.7 से ज्यादा आएगी। उसका रीजन F- के छोटे आकार के कारण, ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा जलयोजन, ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। एफ माइनस के छोटे आकार के कारण इसका ज्यादा जल यूजन होगा, वो इसका रीजन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। चले आगे, ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट थे। अब आपको न्यूमेरिकल टेकल कहां से करना है, मैं न्यूमेरिकल बता देता हूं। न्यूमेरिकल में मैं बस इसी बात का ध्यान रखूंगा कि एक मोल एच प्लस प्लस एक मोल ओ एच माइनस होता है तो माइनस की 13.7 किलो कैलोरी हीट क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। अब अगर आधा आधा मोल हुआ तो 13.7 का हाफ कर दूंगा, दो दो मोल हो गए तो डबल कर दूंगा, बस इसी कंसेप्ट का ध्यान रखना है, मोल कंसेप्ट साथ में यूज होगा, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेता हूं लॉजिक बनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, एक मोल एच सी एल लिया मैंने प्लस एनएच लिया एक्सेज में, तो मैंने बोला यहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आई वो आ गई x, कोई वैल्यू है x। मैंने कहा अब मैंने लिया 1 मोल H2SO4 प्लस एक्सेज लिया वापस NaOH, मैंने बोला डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितनी आएगी बताओ, ठीक है। चलो सुनना बात को, NaOH एक्सेज में
तो लिमिटिंग रिएजेंट तो HCl ही होगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट HCl होगा तो इसके ये मतलब ये हो गया कि यहां से मिलेगा वन मोल H प्लस, तो ये वन मोल OH माइनस के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो कितनी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बन गई, X की बन गई X। इस वाले प्रॉब्लम में देखे वन मोल H2SO4, ये दो मोल H प्लस देगा आपको, ये लो दो मोल H प्लस, ये एक्सेज में तो ये भी दो मोल मिल जाएगा, एक्सेज में जितना चाहिए उतना बच जाएगा, तो दो मोल के लिए दो मोल अवेलेबल हो जाएगा, तो यहां पे डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होगी वो बच जाएगी 2x, बोलो कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक डेटा दिया गया है, आपको बोला कि वन मोल एच प्लस हो प्लस वन मोल ओ एच माइनस हो, ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रलाइजेशन होता है और वन मोल वॉटर बनता है तो उस कंडीशन में डेल्टा एस जो आती है वो -13.7 किलो कैलोरी आती है। ये लो, अब मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं, उसमें आपको एंथैल्पी चेंज बताना है, ठीक है, निम्न परिवर्तन में एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करो। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्टली मोल दे दूं, 0.25 मोल HCl है और 0.25 मोल NaOH है, ये लो पहला केस ये दिया, तो ये क्या तरीका रहेगा, 0.25 से 0.25 H प्लस मिल जाएगा, ये लो इससे वापस क्या मिल जाएगा 0.25 मोल OH माइनस मिल जाएगा, ये लो मिल गया 0.25 मोल H प्लस से 0.25 मोल H प्लस मिल गया HCl से, 0.25 मोल NaOH से 0.25 मोल OH माइनस मिल गया। अच्छा देखो एक एक होते दोनों बराबर रिएक्ट करेगा, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है अभी तक तो बराबर रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब हीट जो आएगी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आएगी वो -13.7/4 किलो कैलोरी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक मोल से दोनों का एक एक मोल रिएक्ट करता है तो आता है कितना -13.7, अब दोनों का 0.25 कर रहा है इसका मतलब 1/4 रिएक्ट कर रहा, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट 0.4 मोल HCl है प्लस 0.25 मोल NaOH है, अब बताओ तो मैंने कहा कि पॉइंट अगर 0.25 मोल है, ये 0.4 मोल HCl है तो यहां से 0.4 मोल ही आपको H प्लस मिलेगा, इधर से 0.25 मोल ही OH माइनस मिलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट इस बार OH माइनस होगा, इसका मतलब रिएक्शन तो 0.25 मोल की तो होगी, अगर 0.25 मोल की हुई तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन तो अभी भी -13.7/4 किलो कैलोरी ही आएगा, ठीक है। बोलिए थर्ड नंबर पार्ट देखिए, इसका थर्ड नंबर पार्ट देखिए, अगर मेरे को इधर दे दिया 0.25 मोल HCl दे दिया प्लस 0.2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, ये लो अब सुनना बात को, 0.25 मोल HCl है तो यहां से H प्लस तो वापस उतना ही मिलेगा, 0.25 मोल ही मिलेगा, ये लो, और इससे मिल जाएगा अपना 0.4 मोलर OH माइनस मोल, ये मोल कर देना भैया ना, डबल मिलेगा ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड में दो OH होते हैं तो डबल मिल गया। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, H प्लस, कितना मोल रिएक्ट होगा, 0.25 मोल रिएक्ट होगा, अगर 0.25 मोल रिएक्ट होगा इसका मतलब फाइनल में वापस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितनी बनेगी, -13.7/4 किलो कैलोरी, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। और आगे देखिए, और केस देखते हैं, अभी तो अभी तक तो आपको डायरेक्टली मोल मिल रहा है, अगले केस में आपको मोल कैलकुलेट करवाया जाएगा।
यही केस चल रहे थे। चलो डी पार्ट देखो, इसका डी पार्ट देखो, इसका डी पार्ट 0.25 मोल H2SO4 है प्लस 0.4 मोल NaOH है, ये लो भैया, ठीक है। ऐसा हुआ तो H2SO4 से H प्लस आयन तो डबल मिलेगा, तो H प्लस आयन मिल जाएगा 0.5 मोल और NaOH से OH माइनस मिलेगा 0.4 मोल ही। अब लिमिटिंग रिएजेंट OH माइनस होगा तो रिएक्शन कितने मोल्स के अकॉर्डिंग होगी, 0.4 मोल के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो आएगा -13.7 × 0.4 किलो कैलोरी, ठीक है बात। चले आगे, अगला पार्ट देखो, ये चार पार्ट में तो मैंने डायरेक्ट आपको मोल दिए थे, नेक्स्ट पार्ट देखना ई पार्ट। मेरे को दे रखा है 1 मोलर HCl है, इसका 300 ml है, इसको आपने मिक्स किया है 1 मोलर NaOH के 200 ml के साथ। तो एक काम करो, पहले मोल कैलकुलेट कर लो, मिली मोल, मोल जो भी बोल रहे हो। यहां से मोल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, m into v क्या, तो 300 मिली मोल आएंगे, मतलब 0.3 मोल H प्लस आएगा। ये लो, यहां से OH कितना आ जाएगा, 0.2 मोल OH माइनस आएगा। ये लो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये होगा, कितने मोल की रिएक्शन होगी, 0.2 मोल की। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना आ जाएगा, 0.2 × 13.7 किलो कैलोरी, 0.2 × 13.7 किलो कैलोरी आ जाएगी, सही बात। ये सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखे, और चेंज करके कैसे दे सकता है, 0.4 मोलर H2SO4 है, 200 ml दे रखा है इसका, ठीक है, प्लस आपको दे रखा है 0.3 मोलर NaOH, इसका भी 200 ml दे रखा है, ठीक है। मिली मोल कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा तरीका ये रहेगा, मिली मोल कितने हो गए इसके। अब H प्लस आयन कैलकुलेट करना है, H प्लस के मिली मोल कैलकुलेट करने, ध्यान रखना भैया, 0.4 H2SO4 से H प्लस मिलता है 2 इंटू, यहां से मिल गया 0.2, यही बात हुई, ये हो गया 8 और 16 0.16, सही क्या गलत, सही है। और इधर से मिलीमोल जो आएंगे OH माइनस के 0.3 × 0.2 0.06, सही है क्या, हाँ अगर सही है तो ये 0.06 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो बनेगी वो 0.06 × −13.7 किलो कैलोरी, ये माइनस में बनेगा भैया, समझ में आ रही बात। ये सारी अपने बात होगी, ये इस टाइप से कैलकुलेट कर लोगे, बोलो हो जाएगा कैलकुलेट क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। चले आगे, चलो थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं, आगे थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। मेरे को ये दे रखा है कि अगर एसिडिक एसिड की 1 मोल एसिडिक एसिड के को NaOH के साथ पूर्ण उदासनीकरण करवाने पर, NaOH के साथ पूर्ण उदासीनीकरण करवाने पर -12 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है, -12 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है, तो एसिडिक एसिड की आयनन ऊर्जा ज्ञात करो। ये मॉड्यूल में अलग से एक आपको डिफाइन करवा रखा, आयनन ऊर्जा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो अपन को तो सिंपल सा मालूम है कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की जो होती है वो होती है -13.7 + डेल्टा एच आयोनाइजेशन, मैंने फॉर्मूला डिराइव करवा रखा है।
तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन माइनस माइनस प्लस 13.7, तो ये माइनस का 12 प्लस 13.7 1.7 किलो कैलोरी। बोलिए हो गया, चले आगे, आगे देखो नेक्स्ट और देखो। क्या दे रखा है नेक्स्ट, एक मोल ऑक्सैलिक एसिड के पूर्ण उदासीनीकरण पर -25 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है, एक मोल ऑक्सैलिक एसिड के पूर्ण उदासीनीकरण पर -25 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसके आयनन की एंथैल्पी ज्ञात करो। एक बात देखना, ये एसिडिक एसिड में H प्लस आयन कितने है, दो है ना, तो दो अगर H प्लस आयन है तो जब इसका एक मोल का पूर्ण उदासीनीकरण करवाओगे तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था जैसे माइनस 13.7 आता है ना, तो आना क्या चाहिए था, माइनस 13.7 इंटू 2 आना चाहिए था, इसका मतलब माइनस का 27.4 किलो कैलोरी आनी चाहिए थी, बेसिकली आनी तो ये चाहिए थी ना। तो अब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो लगेगा फॉर्मूला, माइनस का 27.4 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन लगेगा, बस ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्यों, इसके अंदर दो एच प्लस आयन है इसलिए बस। तो ये है माइनस का 25, ये माइनस का 27.4 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 2.4 किलो कैलोरी। ठीक है बात, चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे को बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के उदासीनीकरण की उष्मा के उदासीनीकरण की उष्मा -50 किलो कैलोरी है। ठीक है, अब अपन को बोल रहा है एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के उदासीनीकरण की उष्मा, उदासीनीकरण की उष्मा अपन को बोल रहा है -35 किलो कैलोरी है, ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, ओके बात, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के उदासीनीकरण की उष्मा -35 किलो कैलोरी है, तो अपन से पूछ रहा है वीक एसिड का प्रतिशत आयनन ज्ञात करो। एक बात समझना, देखो फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा लेकिन समझ में आनी चाहिए बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइजेशन हो रखा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइजेशन हो रखा, तो -50 मिल गया। एक बात बताओ, अगर वीक एसिड का आयोनाइजेशन जो है वो 100% में करवा देता तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता, अगर वीक एसिड का आयोनाइजेशन 100% करवा देता तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता, तो उस समय -50 रिलीज हो ही जाती, फिर तो दिक्कत ही कहाँ थी, ये वीक है तभी तो कम हुई है, माइनस की 35 कुछ आयोनाइजेशन में चली गई, सही बात। अब सुनो बात को, मैं ऐसा बोलूं कि अगर जीरो रिलीज होती, अगर मतलब ऐसा बोलूं मैं कि अगर 50 रिलीज होती, माइनस की 50 रिलीज हो जाती तो इसका मतलब 100% आयोनाइजेशन हो रखा होता, बोलो 100% आयोनाइजेशन हो रखा होता ना, 50 करवा दो। अगर 1 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब 100/50 2% आयोनाइजेशन हो रखा है, और माइनस की 35 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब 100/50 × 35 और ये आ जाएगा अपने लिए 70% आयोनाइजेशन है। इतना परसेंट आयोनाइजेशन है, 70% आयोनाइजेशन हो रखा है, तो इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया कि वीक एसिड की या जो दे रखी होती है वीक एसिड की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन,
डिवाइड बाई स्ट्रॉन्ग एसिड की मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे, कितना पार्ट अनडिसोसिएटेड था स्टार्टिंग में, तो 70% आयनन था, तो 30% आयनन आपको करवाना पड़ा, तो अनडिसोसिएट पार्ट जो है वो 30% था। समझ में आ रही बात? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे एक प्रॉब्लम और देखते पहले। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, एक एसिड है HA, इसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन -51 kJ है। एक एसिड है HB, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन -41 kJ है। ठीक है, आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखे हुए आएंगे और पूछा जाएगा कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैं देखो इनसे क्या क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूं। अगर ये माइनस का 57.3 नहीं हुआ, इसका मतलब वीक है, ये भी वीक है, एच ए एंड एच बी दोनों वीक है, बोथ आर वीक एसिड, ये तो बात समझ में आ रही है, दोनों वीक एसिड होने चाहिए, बोथ आर वीक एसिड, दोनों के दोनों कैसे एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे, बात क्लियर। चलो सेकंड नंबर बात देखिए, अगर HA और HB दोनों वीक है, जितना ज्यादा वीक होगा ना उतना ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम आएगी, तो इनका एसिडिक नेचर की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूं, तो HA ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू HB, HA इज ग्रेटर देन HB है, तो इनके pKa के ऑर्डर की बात करें, या ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का या Ka का ऑर्डर था, pKa के ऑर्डर की बात करोगे तो HB का ज्यादा है, pH बात करूं एट सेम कंसेंट्रेशन सेम रखता हूं, तो जो वीक होता है उसकी pH हमेशा ज्यादा आती है, तो HB की pH ज्यादा आएगी। बोलो ये स्टेटमेंट निकल के आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ मींस K, pKa एंड pH के ऑर्डर ही आएंगे, ये कॉन्क्लूजन निकल के सामने आ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको समझ में आया, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, तीन एंथैल्पी अपन ने पढ़ ली, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ही साथ में हो गई, लास्ट में मैं बता दूंगा मॉड्यूल के अंदर ये दे रखी है अपन ने इसको कहां पे कहां पढ़ा था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की, किसकी बात करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी की, दो एक साथ बताऊंगा, बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कणन की एंथैल्पी, इन दोनों को अपन एक साथ करेंगे, ठीक है, क्यों दोनों एक जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बॉन्ड एंथैल्पी, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, इसके करने का तरीका बहुत सिंपल है, बॉन्ड एंथैल्पी बंद ऊर्जा, अब ये दो टाइप से डिफाइन होती है, बॉन्ड एंथैल्पी बंद ऊर्जा। देखो अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है ना, अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तब तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड बन गया तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के टर्म्स में बोलोगे तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर आप इस टर्म्स में बोल रहे हो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। बात सुनो, बात को क्या है बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है इसकी, एक मोल गैसीय यौगिक 1 मोल गैसीय यौगिक ऐसे 1 मोल गैसीय यौगिक लिया आपने, ठीक है,
वन मोल यहां पे डिफाइन मत करो, ऐसे लिख दो, किसी गैसीय यौगिक या अणु में, ध्यान रखे गैसीय यौगिक ही होना चाहिए, ऑब्लिक अणु में, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं, किसी गैसीय यौगिक या अणु में एक मोल बंध तोड़कर गैसीय परमाणु प्राप्त करने पर हुआ ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन बंद ऊर्जा कहलाती है। किसी गैसीय यौगिक या अणु में एक मूल बॉन्ड ब्रेक करके, एक मूल बंध तोड़ के गैसीय परमाणु प्राप्त करने पर हुआ ऊष्मा परिवर्तन बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और इंपॉर्टेंट बात सुनना, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है किस नेचर का बॉन्ड ब्रेक किया गया, किस कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक किया गया है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अभी समझा रहा हूं मैं कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कहां से ब्रेक हुआ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी उसकी एनर्जी। तो मैंने बोला गैसीय यौगिक लेना चाहिए, एक मोल बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, और लास्ट में गैसीय परमाणु भी मिलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, H2 गैस लिया, 2H गैस बन गया, ये डेल्टा H रिएक्शन है, ये लो सब, ये डेल्टा H रिएक्शन है, तो इसका डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी के बराबर आएगा। क्यों? एक मोल बॉन्ड ही था यहां पे, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने पर डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। सिमिलर वे में अगर आपने Cl2 गैस लिया, 2 टाइम Cl गैस बन गया, ये डेल्टा H रिएक्शन है, तो इस कंडीशन में डेल्टा H रिएक्शन जो होगी वो बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर आई, ठीक। अगर मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, I2 सॉलिड ले लिया, कन्वर्ट कर दिया 2I गैस में, और ये डेल्टा H रिएक्शन है। अब अगर मैंने बोला कि डेल्टा H रिएक्शन बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर है, अगर मैंने ऐसा बोला कि ये बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर है तो ये गलत है। उसका रीजन, ये I2 किसमें? सॉलिड में, तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? I2 गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये ऐसे जाएगा। हेस का लॉ पड़ा हुआ है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बराबर आएगी एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, एक मोल सॉलिड को एक मोल गैस में परिवर्तित करना, प्लस यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ये आएगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो आएगी, डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी, वो तो ये आ जाएगी, डेल्टा H रिएक्शन माइनस डेल्टा H सब्लिमेशन एंथैल्पी के। बोलो सही, ये आ जाएगी। ओवरऑल अपने पास ये आ गया। तो ये बात आपको समझ में आया, फर्स्ट ऑफ थिंग, कि एक गैसीय कंपाउंड होना चाहिए और लास्ट में एटम भी कैसा बनना चाहिए? गैस, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आ गई बॉन्ड एंथैल्पी। एक एग्जांपल और देखना, ये CH4 है गैस में, सी गैस बन गया प्लस 4H गैस बन गया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये है, ये डेल्टा H रिएक्शन हो गई, ये CH4 गैस जो था वो पहली बार में ऐसे ब्रेक हुआ CH3 गैस प्लस H गैस में, ये लो, ये डेल्टा H बना गई, एक मोल CH का बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब पीछे बच गया CH3 गैस, फिर ये ब्रेक होगा CH2 गैस प्लस H गैस में, ये डेल्टा H2 आ गया, फिर CH2 गैस ब्रेक होगा CH गैस प्लस H गैस में, तो ये डेल्टा H3 आ जाएगा, फिर CH गैस वापस ब्रेक होगा C गैस प्लस H गैस में, तो ये डेल्टा H4 आ जाएगा। हैस का लॉ अगर अपन अप्लाई करें तो अपन को ये समझ में आ रहा है, डेल्टा H रिएक्शन जो होगी वो आएगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। इस डेल्टा H रिएक्शन को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब, एक मोल कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड है उन सबको ब्रेक कर दो,
उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच रिएक्शन ये आया, तो यहाँ पे चार सी एच मोल, चार सी एच के बॉन्ड ब्रेक हुए, तो मेरे को अगर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड बोलेगा तो वो एवरेज आएगी, क्या आएगी, एवरेज आएगी, और वो किसके बराबर आएगी, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर डिवाइड बाई फोर। इस अकेले को नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, इस अकेले को सी एच बॉन्ड की एंथैल्पी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर केस में अलग अलग आएगी, तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड जो आएगी वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर डिवाइड बाई फोर आ जाएगा। समझ में आई बात, अभी देखेंगे इसके न्यूमेरिकल, ये बेसिक आइडिया समझ में आया ना, बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है। ठीक, अब अपन बात करते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन, कणन की एंथैल्पी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन कणन की एंथैल्पी। हीट ऑफ एटोमाइजेशन कणन की एंथैल्पी क्या होती है, सुनना, डेल्टा एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटोमाइजेशन का मतलब एक, एटम बनाना है आपको, ठीक है, एक मोल किसी यौगिक से, एक मोल किसी यौगिक को, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो किसी में हो, एक मोल किसी यौगिक को गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने पर, गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने पर हुआ उष्मा परिवर्तन, हुआ एंथैल्पी परिवर्तन कणन की एंथैल्पी कहलाती है। आपको एक मोल एटम चाहिए, सॉरी एटम चाहिए गैसीय स्टेट में, कंपाउंड होना चाहिए एक मोल, जैसे H2 गैस लिया 2H गैस में कन्वर्ट हो गया, यह डेल्टा H रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए इसका मतलब ये हो गया, ये डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर हो गया, हाँ सही बात, और एच ए के भी बराबर हो गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, एक मोल किसी यौगिक से गैसीय परमाणु बन गए, ठीक है। सिमिलर वे में अगर एन ए सॉलिड लिया, ये कन्वर्ट हुआ एन ए गैस में, ये डेल्टा एच रिएक्शन आई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा एच सब्लिमेशन एंथैल्पी के बराबर हो सकता है या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के भी बराबर हो सकता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो कार्बन ये सॉलिड है, ये कार्बन गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा एच रिएक्शन है, बस एक मोल के लिए हुआ, तो ये चाहे सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलो या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलो, एक ही बात, समझ में आ रही है बात, ये बेसिक आइडिया रहेगा कणन की एंथैल्पी, चाहे कणन की एंथैल्पी लगाओ, कणन की एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर होती है कभी कभार, ठीक है, ये बेसिक आइडिया रहेगा। अब देखते हैं अपन इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करें, अब इसको यूज कैसे करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। चलो मैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं, H2Cl2 एंड HCl की बंद ऊर्जा क्रमशः क्या क्या दे रखी है अपन को, अपन को दे रखी है 250 एंड 160 किलो जूल पर मोल है, तो HCl के निर्माण की या संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करो,
पूछ रहा तो संभवन की एंथैल्पी, मैंने कहा ना पूछता है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं होता, वो तो अपने अपने लिए क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात ये। तो मेरे को एक इक्वेशन लिख दो, इसका निर्माण की इक्वेशन लिखो, ये लो, ये पूछा है तो मेरे लिए तो ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब सुनो, एक साइड में प्लस लिख देता हूं, एक साइड में नेगेटिव लिख देता हूं। प्लस का मतलब जो तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, बॉन्ड ब्रेक होगा उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, H2 का आधा मोल ब्रेक हुआ है तो 200 होती है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई हाफ ये देनी पड़ेगी। Cl2 का आधा मोल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो 50 मल्टीप्लाई बाई हाफ ये तो देनी है। HCl का एक मोल बना है तो 160 की एनर्जी रिलीज हुई है तो नेगेटिव में आ गया, ठीक है। ये हो गया 100 और 125, 125 देनी पड़ गई प्लस में और 160 रिलीज हो गई माइनस में। ओवरऑल हिसाब किताब कर दो तो डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगा 125 माइनस 160 इज इक्वल टू माइनस का 35 किलो जूल पर मोल। मैं तो ये सिंपल सा ये बोलता हूं, हिसाब किताब करना है, ठीक है। जो बॉन्ड ब्रेक होता है, क्रियाकारक के बंध टूटते हैं, उत्पाद के बॉन्ड बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। अब आपको चाहिए कि नहीं सर ये हमें समझ में नहीं आता है, तो डेल्टा एच रिएक्शन का एक फॉर्मूला बता देता हूं। बॉन्ड एंथैल्पी जब गिवन हो तो रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट लगा देना, ये लो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, सेम आंसर आएगा बीबी, ठीक है। लेकिन मैं तो आप चाहो तो इससे कर लो, चाहो तो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, NH3 की बंद वियोजन ऊर्जा, बंद वियोजन ऊर्जा और बॉन्ड एनर्जी में फर्क होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो पूरे NH3 को, पूरे NH3 के सारे बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी है, तो NH3 की बंद वियोजन ऊर्जा 360 किलो जूल है, जबकि N2H4 की बंद वियोजन ऊर्जा 540 किलो जूल है, N सिंगल बॉन्ड N की बंद ऊर्जा ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो NH3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी, इसका मतलब पूरे NH3 को अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये डेल्टा एच रिएक्शन जो दे रखी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो 360 है। तो एक बात बताओ, अमोनिया में तीन एनएच के बॉन्ड थे, तो एनएच बॉन्ड की जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ गई, 360 डिवाइड बाई 3, 120 किलो जूल आ गई पर मोल की, ये। अब ये N2H4 है, तो N2H4 है तो इसमें ये है, इसको आपने क्या किया, 2 टाइम्स N गैस प्लस 4 टाइम्स H गैस में कन्वर्ट किया, तो ये डेल्टा H रिएक्शन आपके पास बन गई कितनी, 540 किलो जूल। एक बात बताओ, आपने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए, चार NH के बॉन्ड ब्रेक किए, चार NH के बॉन्ड ब्रेक किए प्लस एक NN का बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ गई आपको, 540 की देनी पड़ गई, बोलो 540 की देनी पड़ गई यहाँ पे, तो चार NH बॉन्ड की एनर्जी तो अपने पास है ना, 120 का मल्टीप्लाई कर दो, एक NN की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी 540, तो एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी आ गई 60। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से बात करोगे तब तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये आया हुआ है एग्जाम में। आपको ये बोला कि X2, Y2 और XY की बंद वियोजन ऊर्जा का अनुपात 1:5:1 है, ये बंद ऊर्जा का अनुपात है, ठीक है। अगर मेरे को बोला है कि डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जो है वो माइनस का 200 किलो जूल पर मोल है, तो वाई टू की बंद ऊर्जा ज्ञात करो, बॉन्ड एनर्जी ज्ञात करो, ये अपन से पूछा है,
ठीक है। चलो अपन को एक्स वाई का फॉर्मेशन करना एक मोल, तो हाफ ऑफ दी एक्स टू प्लस हाफ ऑफ दी वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई, यही होगा हाफ ऑफ दी एक्स टू प्लस हाफ ऑफ दी वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये डेल्टा एच रिएक्शन है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है जो अपन को दे रखी है माइनस का 200, सही बात, माइनस का 200 दे रखी है। तो अब एक बात बताओ सिंपल सा, x2 का बॉन्ड ब्रेक करना है, मैंने इसको x मान लिया, तो ये x मानते ये x by 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, बोलो। तो आधा बॉन्ड ब्रेक करना है x2 का, तो इसका मतलब x by 2 की एनर्जी दोगे, y2 का आधा बॉन्ड ब्रेक करना है तो x by 4 दोगे, एक xy बन गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 200, बोलिए हिसाब किताब कर दिया ना, ओवरऑल हिसाब किताब माइनस 200 के बराबर। तो यहां से माइनस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू माइनस का 200, तो x इज इक्वल टू 800 आ गया। मेरे को तो y2 की चाहिए, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 जो होगा वो होगा x बाई टू, इसका मतलब 400 किलो जूल पर मोल, बोलिए 400 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ये इस टाइप के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और देखो, और देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक रिएक्शन दे रखी है C2H2 प्लस HCl कन्वर्ट होगा CH2H, ये इसके अपन को बोला डेल्टा एच रिएक्शन ज्ञात करो, ये गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है सी एच बॉन्ड की, वो दे रखी है अपन को 415 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी अपन को दे रखी है सी सिंगल बॉन्ड सी की, वो दे रखी 348 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है सी डबल बॉन्ड सी की 615 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ दे रखी है एच सी एल की, वो दे रखी है अपन को 430 किलो जूल पर मोल। और बॉन्ड एनर्जी दे रखी है सीसीएल बॉन्ड की, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की 328.5 किलो जूल पर मोल, ये डेटा दे रखा है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, डेटा खूब सारे देते हैं, डेटा खूब सारा देगा, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेल्टा एच रिएक्शन ज्ञात करो, ठीक है। चलो करते हैं कैलकुलेट, ये डेटा दिया आपको, मेरे को तो ये बात समझ में आएगी। देखो इस C2H2 को मैं ओपन करके लिखता हूं, तो C डबल बॉन्ड C, मैं तो हिसाब किताब ये करने वाला हूं, ये प्लस है ये माइनस है भैया, ठीक है। अब आप चाहो तो सारी लगा देना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मैं तो इससे हिसाब किताब कर रहा हूं प्लस और माइनस के हिसाब से। C डबल बॉन्ड C वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, हो गया ब्रेक, चलो ब्रेक हो गया, तो ये 615 लगेगी। ये दो एच थे, ये दो एच एटिटीज पड़े, इधर भी दो एच थे एटिटीज पड़े, इसका मतलब ये वाले बॉन्ड तो ब्रेक हुए ही नहीं। एच सी एल वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया 432, बस ये आ गई अपनी। अब आओ इधर, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कार्बन कार्बन के बीच में नया सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बनता है उस समय एनर्जी रिलीज होती है 348, कार्बन हाइड्रोजन का एक नया बॉन्ड बना 415, कार्बन क्लोरीन का नया बॉन्ड बना, ये रहा कार्बन क्लोरीन का 328.5, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, कार्बन क्लोरीन का बना, कार्बन सिंगल बॉन्ड का बन गए, ये हो गए सारे, ये रिलीज हुई है और ये देनी पड़ गई आपको 7 4 10,
1047 ही तो देनी पड़ गई, इधर ये रिलीज हो गई 16 और 5 21 का 1 2 9 6 और 4 10 ये लो, ये रिलीज हुई ये देनी पड़ गई। तो डेल्टा एच रिएक्शन जो आएगी माइनस का 44.5 किलो जूल पर मोल। समझ में आया या नहीं आया बोलो। ठीक है चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करें, डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करनी है। डेटा क्या क्या दे रखा है वो देखो, गिवन डेटा क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, किस किस के बारे में दे रखी है, सी डबल बॉन्ड सी की दे रखी है X1 किलो जूल पर मोल, सी एच के बारे में दे रखी है X2 किलो जूल पर मोल, ये लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच दे रखी है X3 किलो जूल पर मोल, और सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन दे रखी है X4 किलो जूल पर मोल। आपको मालूम है कि अगर बॉन्ड एनर्जी का डेटा लगाना है, अगर बॉन्ड एनर्जी का डेटा लगाना चाहते हो, बॉन्ड एनर्जी का अगर डेटा लगाना चाहते हो तो उस कंडीशन में गैसेस तो होना चाहिए कंपाउंड और गैसेस ही बनने चाहिए एटम। ठीक है इस कंसेप्ट का अपन ध्यान रखेंगे। मेरे को तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो मैंने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन तो ऐसा होगा, दो कार्बन ले लो सॉलिड स्टेट में मतलब ग्रेफाइट होने चाहिए, प्लस 3H2 होना चाहिए गैसेस स्टेट में, प्लस C2H6 बनेगा गैसेस स्टेट में, ये डेल्टा एच एफ होगी। ये तो मेरे को कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा देखो बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट लगा तो सकता हूं, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट तभी लगेगा जब ये कौन सी स्टेट में होगा, ये कौन सी स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में होगा। कौन सी स्टेट में होना चाहिए बोलो, गैसेस। तो इसको पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर दो, इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करोगे, इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले यहां पे X4 देनी पड़ जाएगी, 2X4। तो देने वाली हीट कौन सी होगी, अब लगा दो 2X4 तो सबसे पहले ही दे दिया आपने, फिर ये तो बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं रिएक्शन में। 3H2 के बॉन्ड ब्रेक हुए, 3H2 के बॉन्ड ब्रेक हुए तो 3X3 उधर गया, तो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड बना, बना है कार्बन कार्बन का, सॉरी C2H4 करो भैया, C2H4 करो, C2H4 करो, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये लो। ठीक है तो इधर एक C डबल बॉन्ड C बना है तो एनर्जी रिलीज होगी, C डबल बॉन्ड C कितनी X1, 4 CH के बॉन्ड बने हैं, ये लो ओवरऑल हिसाब किताब, ओवरऑल हिसाब किताब वही डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा। ओवरऑल हिसाब किताब 2X4 प्लस 2X3 माइनस X1 माइनस 4X2 ये आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ दी रिएक्शन। समझ में आ गई बात, बोलिए। ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन से रिलेटेड बात। 3 हीट आपने आज पढ़ी है, 2 पहले अपन ने पढ़ ली थी, 5। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की एक तो, ठीक है, एक बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एक बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मेरे हिसाब से इतनी ही हीट है, उसके अलावा ऐसे दे रखी है उर्दू पातन की, यूज करना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, ऐसे भी दे रखा है प्रेसिपिटेट की, तो एक मोल प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, ठीक है, इंटर कन्वर्जन की, संक्रमण की, ट्रांजिशन की, तो ग्रेफाइट को अपन डायमंड में कन्वर्ट करके देख लिया था, फेज कन्वर्जन की, H2O लिक्विड को H2O गैस में पहले ही बार में क्वेश्चन करवा दिया था, एंथैल्पी ऑफ जब हीट ऑफ दी एंथैल्पी पढ़ रहे थे तो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ दी रिएक्शन पढ़ रहे थे तो, सारी बातें क्लियर यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।